हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार। सो गाइस, आज हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट करने वाले हैं रेनी डे। तो रेनी डे कुछ खास होने वाला है और ये पहली बार ये फंक्शन हो रहा है। तो छोटा मोटा फंक्शन है और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि रेनी सीजन तो सबके लिए मज़ेदार होता है और रेनी बारिश में नहाना तो और भी मज़ेदार होता है। बट मौसम ने थोड़ा माहौल ख़राब कर दिया है, मौसम थोड़ा धूप वाला हो गया है। सो गाइज, आपस में ही हम लोग रेनी डे मनाएंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो कैसे होने वाली। सो गाइज, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों से मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ, कैसे वो लोग रेडी होके आए हैं। और रेडी होना क्या है, स्कूल ड्रेस में ही बच्चे आएंगे और वो लोग रेनकोट वगैरह, अम्ब्रेलाज ये सब लेकर आएंगे। तो चलते हैं स्कूल में और देखते हैं कैसा है माहौल। फ्रेंड्स, ये हो रखी है डेकोरेशन और ये हम लोगों ने कल डेकोरेट किया था और यहीं पे आज हम लोग सारा अपना कार्यक्रम करने वाले हैं। यहाँ की सारी क्लासेस बहुत ही स्पेशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है ताकि पूरे बच्चे आ सकते हैं। तो फाइनली यहीं पे हम लोग आज सारा अपना प्रोग्राम करने वाले हैं और ये है हम लोगों का डेकोरेशन पॉइंट। सो यहाँ पर हम लोग सेल्फी वगैरह वीडियो शूट करेंगे, सब कुछ यहीं पर होने वाला है। रेनी डे को सेलिब्रेट करने के लिए पहले से कुछ भी बच्चों को सिखाया नहीं गया था, प्रिपेयर नहीं करवाया गया था। ये जो भी बच्चे कर रहे हैं ऑन द स्पॉट कर रहे हैं और अभी बच्चे थोड़ा रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि ये डे सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी पहले से प्लान नहीं था और इसमें प्लान करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट ही सेलिब्रेट होता है। तो बच्चों से सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रेला और रेनकोट वगैरह मंगाया गया था। तो रेनकोट तो कुछ ही बच्चे लेकर आए हैं, बाकी सब अम्ब्रेला ही लेके आए हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रेनकोट से ज़्यादा अच्छा अम्ब्रेला लगता है। और हम लोगों के टाइम में भी हमें अम्ब्रेला बहुत अच्छा लगता था, वैसे बच्चे को भी ऐसे ही पसंद आता है। तो यहाँ पे बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं थोड़ा बहुत ही, और ये सारी मिक्स हो रखी है क्लासे, अभी इसमें दो तीन क्लासेस मिक्स नहीं हैं। और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे लाए हैं कुछ बच्चे नहीं लाए हैं। तो जो बच्चे नहीं लेके आए हैं उन बच्चों के साथ भी शेयर किया गया है, ताकि ये इंजॉयमेंट ये डे सारे बच्चे सेलिब्रेट कर सकें। और हमारा मोटिव यही रहता है कि हम कोई भी चीज़ को सेलिब्रेट करें तो उसके बारे में बच्चों को जानकारियाँ दें और उसके बारे में बताया जाए कि वो क्या है, उसको क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, हमारे जीवन में उस चीज़ को लेके कितना बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए ही डे सेलिब्रेट होता है, ताकि बच्चे हर चीज़ को पहचाने, हर चीज़ को समझे और किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, इसका भी प्रयोग बताया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे बच्चे ढेर सारे इन्जॉयमेंट कर रहे हैं और बच्चों को हम लोग सिखा भी रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो बच्चे अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे बच्चे हैं और ये थोड़ी क्लास थोड़ी स्पेशियस टाइप में है, तो इसलिए क्लास के अंदर ही करवाया जा रहा है। अदरवाइज़ बाहर थोड़ा मौसम थोड़ा धूप वाला हो गया, वैसे तो रेनी सीज़न ही चल रहा है इस टाइम, बट आज थोड़ी मौसम धूप टाइप में हो गया तो हम बच्चों को बाहर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि धूप लगने की चांसेस है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बर्दाश्त से बाहर होगा। इसलिए बच्चों को क्लास में ही ये सब एक्टिविटीज़ कराया जा रहा है और यहाँ पे हम लोग भी बच्चों के साथ बहुत सारी एंजॉयमेंट कर रहे हैं।
हमारा मेन मोटिव ये है कि जो भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं, जो भी फोटोज़ पोस्ट करते हैं, वो बच्चों के पेरेंट्स तक जा सके, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की मन में एक ख्याल आता है कि काश जो भी एक्टिविटी होती हो उनके स्कूल में, काश हम भी होते। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों का मेन मोटिव यही रहता है कि जो भी वीडियो पोस्ट रहे वो सारे पेरेंट्स तक जाए, और उनका बच्चा घर पे क्या एक्टिविटी करता है, स्कूल में क्या करता है, ये सारी बातें, सारी जो भी वीडियो के माध्यम से बच्चे कर रहे हैं वो उन तक पहुँचे। ये जो वीडियोस है इसके थ्रू एक मेमोरीज बच्चों की बन रही है, जो बच्चे अगर बड़े होंगे इनके हाथों में भी फ़ोन आएगा तो ये अपनी मेमोरीज को, अपने मूवमेंट को, ये जो कैप्चर किया रहेगा वो देख सकते हैं। तो आगे चल के ये वीडियोस बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होने वाली है, और सबको अपनी मेमोरीज देखने का, पीछे की अपनी वीडियोस फोटोज देखने में जो खुशी मिलती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो काश हमें भी लगता है कि काश हमारी भी वीडियोस फोटोज ऐसे ही बच्चों की तरह बने रहते, तो आज हम भी देख के वो खुशी, वो हैप्पीनेस अपने अंदर ला सकते। लेकिन ये तो पॉसिबल उस टाइम नहीं था, बट जो मेरा विचार है, जो मैं सोचती हूँ कि ये जो वीडियोस फोटोज बने ये बच्चों तक जाए, जब बच्चे बड़े हो जाए, बच्चों के पेरेंट्स तक पहुँचे। मुझे पता है कि जब भी मैं शेयर करती हूँ तो 100% तो नहीं, लेकिन 50% बच्चे या पेरेंट्स ये वीडियोस देखते होंगे। सो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों ने अब तक इस चैनल को प्यार दिया, सपोर्ट किया, वैसे ही आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर लंच टाइम एंड मैं लाई हूँ गर्मा गर्म अप्पे। तो चलिए जी, जिसको खाना है जल्दी से आ जाइए, साथ में खाते हैं। सो यहाँ पे मैं जा रही हूँ शेयर करने, शेयरिंग इज़ केयरिंग। यहाँ पे सब लोग बैठ रखे एक साथ लंच कर रहे हैं। आता है बच्चों से जो कि बहुत शरारती करते हैं, और ये बहुत शरारती बच्चे बहुत ज़्यादा, कौन सबसे ज़्यादा कौन शरारती है, आयुष की आदित्य ये आदित्य नहीं, मैं बताती हूँ कौन है, कौन है ये। नहीं, आप दोनों लोगों में से कौन है सबसे ज़्यादा शरारती, ये कौन है, आयुष है क्या, कौन सबसे ज़्यादा आदित्य शरारत करता है कि आयुष, इसमें लाए हैं कौन है, दो एक वो लाई है और एक ये ले वो बच्चा लेके आया, दो ही बच्चे लाए हैं बस। आज कौन सा डे सेलिब्रेट हो रहा है, सेलिब्रेट कौन सा डे है, रेनी डे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट हो रहा है, आज सैटरडे है बट आप लोगों का रेनी डे सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी डांस करेंगी ताकि बच्चों को शाय फील ना हो, अजीब फील ना हो, क्योंकि बच्चे अगर एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ा शर्माते हैं, बट यहाँ पे टीचर्स बच्चों का साथ दे रही हैं ताकि बच्चे भी खुल के डांस कर सकें। Catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you tried to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. Cause you know I am the fire. I got a feeling. Wanna come a little
closer. You're playing cool, just tell me what you're gonna do, boy. Take my hands, draw me close, that's when you'll hear me breathing in the most. I see the trembling, baby, come and take a dose. I might change my mind, you better hurry up. Try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. Cause you know feeling, oh, don't you wanna come a little closer? Filet, filet, filet. Be may, be may. Those lips in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Come over to my side, take me for a ride. Shout throughout the night. Cause you know I am fire. I got a feeling. Don't you wanna come a little closer? Filet, filet, filet. Be may, be may. Those lips in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Can't tell what is wrong or right. This feeling I have inside. Stop trying to fight, cause you wanna come a little closer. No doubt and you can't deny. This feeling you're trying to hide. Stop trying to fight, cause you wanna come a little closer. प्यारे प्यारे हैं और आप लोगों के लिए एक पोएम प्रिपेयर कर रखे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय।